वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ फुल बॉडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट। सो गाइज, विंटर के सीज़न में या फिर समर के सीज़न में हमारी बॉडी हमेशा ही टैन रहती है, या फिर कोई भी डार्क स्पॉट हो जाते हैं स्किन पर, कोई भी डार्क पैचेस हो जाते हैं अंडर आर्म्स पर, हमारे एल्बोज पर, नीज पर। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। साथ ही साथ इस ट्रीटमेंट से आपका फुल बॉडी वाइटनिंग भी हो जाएगी। इस बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा आसान है, और एक ही इंग्रेडिएंट से आपको ये पूरा जो ट्रीटमेंट है ये हो जाएगा। आपको सिर्फ आपके घर में वो अवेलेबल भी है। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल कम या ज़्यादा बहुत लोगों के घर में होते हैं, मतलब 90% लोगों के घर में तो होते ही हैं। कोकोनट ऑयल जो है ये हमारे स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट, सपल बनाता ही है। साथ ही साथ ये हमारे स्किन के टैनिंग को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, एंड ये फुल मतलब स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो गाइस, आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिल जाए। तो गाइस, आपको कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल को निकालना है अपने पाम पर, यह अभी जम गया है विंटर में। तो गाइस, आप निकाल लीजिएगा। निकाल कर अपने कोई भी पार्ट हो, आपके जो डार्क पार्ट्स हैं बॉडी पर, या फिर आप इसे फुल बॉडी पर लगा सकते हैं। क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आपको इसे फुल बॉडी पर लगाना है। लगा के आपको घंटे के लिए छोड़ देना है, एक घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप शावर जेल यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, उसे आप नहा लें अच्छे से। और आपके पास एक लूफा ज़रूर होना चाहिए। कोकोनट ऑयल आपको अप्लाई करने के बाद आप जब नहाइएगा, जब आप लूफा से या फिर बॉडी वॉश से लूफा से आप रब कीजिएगा, आपके स्किन के ऊपर से सारे जो डेड सेल्स है वो उतर जाएंगे, और धीरे धीरे आपका जो अच्छा डेड मतलब सेल्स का जो टर्नओवर है वो अच्छा होता जाएगा। उससे आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग भी होती जाएगी, निखर भी जाएगी। तो गाइस, आपको इस तरीके से नहा लेना है। नहा करके तुरंत आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। इस ट्रीटमेंट को बिल्कुल एक महीने तक कंटिन्यूसली करना है। उसके बाद आप मुझे आकर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। आई होप आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल में बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी स्किन को निखारने में हेल्प करते हैं। तो गाइस, आई होप इस ट्रीटमेंट को आप लोग यूज़ करोगे, एंड करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। तो गाइस, फिर मिलूँगी कोई नई जानकारी के साथ। आज के लिए बाय।